बच्चों का बर्थडे पार्टी हो या किट्टी पार्टी हो, तो हम क्यों ना बनाएं फ्रेंच फ्राइज जो बिल्कुल घर पे बना सकते हैं, मार्केट जैसे एकदम बेहतरीन। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। हाय एवरीवन, रेहाना किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद होगा बढ़िया। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी, जो घर पे होममेड एकदम बना सकते हैं, बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, एकदम मार्केट जैसा। तो हम बनाएंगे एकदम, सबसे पहले चलिए बनाते हैं। आज बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज, जो बच्चों को काफी दिन से फरमाइश कर रहे थे, तो इसलिए मैं आज फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी लेके आई हूँ। तो जिसके लिए मेन इम्पोर्टेंट होता है आलू। आलू किस तरीके का होना चाहिए तो वो मेन इम्पोर्टेंट है, और किस साइज का, तभी आपका फ्रेंच फ्राइज एकदम घर पे परफेक्ट बनेगा। तो जिसके लिए हमने ले लिए हैं बड़े साइज का, और इस तरीके का आलू मार्केट में बहुत इजी मिल जाते हैं, और इसके फ्रेंच फ्राइज बहुत बेहतरीन बनता है। तो हो सके जब भी आप बनाइए तो पहले, सबसे पहले आलू सिलेक्ट करिए किस तरीके का हमें लेना है, और थोड़ा जो मिट्टी लगा होता है आलू में, वो आलू के बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये भरभरा नहीं होते हैं, तो इसलिए इसके फ्रेंच फ्राइज बहुत परफेक्ट बनेंगे। क्योंकि जब फिंगर चिप्स बनाते हैं तो जब तक लंबे लंबे ना हो तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए बड़े ही साइज का लीजिए। तो ये तो हो गया आलू का। अब इसे हमें किस तरीके से छीलना है और किस तरीके से कट करना है, तो मैं पहले तो हम छील लेंगे। आपके पास जो भी चाकू हो किसी से छील सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम पहले फटाफट छील लेते हैं आलू को, हमने छील लिया। छील के ऐसे ही नहीं रखना है, डायरेक्ट इसको पानी के अंदर डालना है ताकि इस पे कोई काला कोई दाग ना हो। तो इस तरीके से हम पानी में डाल देंगे, बाकी को भी हम छील लेते हैं इसी तरीके से। आलू को हमने छील लिया, देखिए इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टार्च है, देखिए कितना अच्छे से निकल गया, अभी हमने कट भी नहीं किया, तो एकदम देखिए किस तरीके से। इसको हम दो पानी इसको धो लेते हैं साफ, इसको पानी को फेंक देते हैं। छीलने के बाद सबसे पहला काम होता है आलू को कट करना। किस तरीके से हमें कट करना है, तो सबसे पहले साइड का हम निकाल लेंगे इस तरीके से, और इधर से भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे जो भी हो, क्योंकि हमें एकदम बेहतरीन चिप्स फिंगर चिप्स निकालना है, और खड़ा करके इधर से भी इतना इतना हम निकाल लेंगे। इस आलू को हम फेंकेंगे नहीं फ्रेंड्स, इसे हम उबाल के आलू के पराठे या कोई चीज हम बना सकते हैं, कोई भी रेसिपी। तो इसको आप करके गर्म पानी में इसे डाल के आप बना सकते हैं, और ये हो गया इस तरीके से। तो देखिए हमें वो 1 इंच के पे निशान लगाना है और इसे कट करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कट लगा लेंगे, एक और कट लगाएंगे एकदम बेहतरीन, बिल्कुल कट जाते हैं देखिए। अब इसे हमें इस तरीके से कट लगाना है एकदम बेहतरीन। तो इसे हम पानी में तुरंत डाल देंगे, और कट करके दिखा रही हूँ, एकदम फटाफट हो जाते हैं, जैसे लगता है कि एकदम मशीन से आप काट रहे हो, देख सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो इसी तरीके से हमें कट करना है, इतना बेहतरीन हुआ है एकदम परफेक्ट, एक साइज का एकदम कोई नहीं कर सकता क्या। देखिए आलू चुनने का यही होता है, और ये एकदम साइज देख रहे हैं इस तरीके से जो धारी धारी, तो ये मेन होता है। आप जब फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो ये बहुत मायने रखता है, बच्चे इसी को देख के ही पसंद करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले फटाफट क्या करेंगे कि थोड़ा सा ठंडा पानी लेंगे, और ठंडा पानी में इसको हम तुरंत इसका जो इतना भी एक्स्ट्रा स्टार था, देख सकते हैं मार जैसा एकदम पानी निकल चुका है, तो इस तरीके से इसमें हम तुरंत ट्रांसफर कर देंगे। इसमें ठंडा पानी में जाने के बाद क्या होता है, इतनी बेहतरीन क्रिस्पी बनेगा फ्रेंड कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी बेहतरीन कैसे बना, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो चिल्ड वाटर में रख दीजिए, नहीं तो इसको कट करने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए, एकदम बेहतरीन होगा। तो मेरा चिल्ड वाटर है, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुका है, देख सकते हैं कितने बेहतरीन कलर एकदम शाइनिंग आ गए हैं, और पतीले में हमने पानी 1 लीटर
उबालने के लिए चढ़ा दिया है तो पानी में भी उबाल आ गया है। तो आगे देखते हैं प्रोसेसिंग। पानी में देखिए बबल्स होने लगे हैं, ऊपर उबाल होने लगा है। तो उबलते हुए पानी में हम इसको डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसे हमें छोड़ना है। इस तरीके से देखिए के अंदर 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। एक बार इसको ऊपर नीचे इस तरीके से हम चला लेंगे। देखिए कलर चेंज होने लगा है, कितना बेहतरीन। इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा स्टार्च था देखिए इसके अंदर भी निकल गया, एकदम कलर चेंज हो गया एक तरह का। तो फटाफट हम इसको निकाल लेंगे, इस तरह की छन्नी लेंगे और इस पे हम डाल देंगे। देखिए परफेक्ट हो रहा है एकदम। तो इस तरीके से हमें करना है फटाफट। एक्स्ट्रा पानी है जो रिलीव हो गया है, इसको हम किचन तौल या किसी चीज पे फटाफट डालेंगे। इस तरीके से हम फैला देंगे, या कोई एयर हवा वाले जगह पे है तो इस तरीके से कर दीजिए। देखिए कितनी बेहतरीन हो रही है। इसको हम फैला देंगे और एक्स्ट्रा पानी ऊपर का नैपकिन ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए, इससे एक्स्ट्रा पानी को हम सुखा देंगे इस तरीके से। बिल्कुल बेहतरीन देख सकते हैं, पानी में जाने के बाद भी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है और इसकी धार भी जरा सा भी नहीं मुड़ा है। देखिए बिल्कुल जिधर से आप करेंगे। तो ये होता है मेन इम्पोर्टेंट, इसको ठंडे पानी में डाल के आप थोड़ा सा उबाइल करिए 4 से 5 मिनट, एकदम बेहतरीन। इसको आप चाहो तो इस फ्रोजन की तरह आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी बच्चे अगर करें तो आप फ्राई करके दे सकते हैं। तो हम चलेंगे इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे, 5 मिनट के बाद ही फ्राई करेंगे। तब तक कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म करते हैं, एकदम अच्छा वाला गर्म होना चाहिए। 5 मिनट हो गया है, देख सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से ड्राई हो चुका है और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलते हैं गैस पे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है देख सकते हैं। तो इसे एक बार में जितना है हम डाल देंगे, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं करना है, इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हमें करना है। और इस तरीके से हम कर लेंगे, बहुत ज्यादा इसे फ्राई नहीं करना है क्योंकि हम एक बार और फ्राई करेंगे इसका, तो इसलिए सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। देखिए 1 मिनट हो गया, इसे देख सकते हैं इसी तरीके से हमें निकाल लेना है। वेज का भी हम इसी तरीके से कर देंगे। तो ये भी हो गया है, देखिए कितना बेहतरीन कलर एकदम व्हाइट आया हुआ है जो हमें चाहिए फ्रेंच फ्राइज का। तो यही कलर है, इसको भी हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे सारे आलू को हम इस तरीके से फैला के ठंडा कर लेंगे, कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और उसके बाद बहुत अच्छा धुआंदार वाला तेल गरम करना है, बहुत हाई वाला, जो एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनाना है। तो जिसके लिए हम 5 मिनट का वेट करेंगे। अभी 5 मिनट में एकदम ठंडा हो गया और तेल भी देख सकते हैं एकदम धुआं वाला गरम हो गया है। तो एकदम बेहतरीन फ्राई करेंगे जिससे क्रिस्पी हो। तो हम इसमें फ्रेंच फ्राइज को डाल देंगे और हाई फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है इस तरीके से, और इसको घुमाते रहेंगे ताकि एकदम क्रिस्पी बने। देखिए इसी तरीके से, क्योंकि बच्चे बड़े सबको पसंद आते हैं एकदम, तो यही करना है हमें प्रोसेसिंग, जिससे हमारी फ्रेंच फ्राइज एकदम क्रिस्पी और एकदम बेहतरीन हो। तो ये परफेक्ट रेडी हो गया है, तो हम इसको निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हुआ है एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए आवाज आप खुद देख सकते हैं, एक भी न टूटा है न बिखरा है। थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, बहुत बेहतरीन होगा। थोड़ा सा इसके अंदर नमक, थोड़ा सा चाट मसाले, तो से इस तरीके से मिक्स करिए और देखिए कितनी बेहतरीन वेज फ्राइज हुआ है। कोई सीरियल फिल्म देखते देखते एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों का पेपर चल रहा है बना के दे दीजिए, बच्चे इजी तरीके से इसको खाते खाते सारे पेपर तैयार कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब घर पे बने एकदम परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज, तो हम क्यों मार्केट जाएं
ऑनलाइन के चक्कर में बने, हम घर पे ही बना सकते हैं बिल्कुल दो आलू से इतना भर के, जो बच्चे खुशी खुशी खाएं और हम भी एंजॉय कर सकते हैं बच्चे को खुश देख के। तो आप सॉस के साथ, केचप के साथ, किसी के साथ आप लगा के खा सकते हैं, एंजॉय करिए।